बीटीबी मार्केट के किसानों ने खोली पोल। बीटीबी में अवैध वसूली थमने का नाम नहीं ले रही। किसानों से 50 रुपए डाक या बोरा से वसूला जा रहा है। किसानों ने किया खुलासा, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर लगाए झूठे आरोप। झूठे किसान बोलने वाले व्यापारी और किसान पर किसान करेंगे कार्रवाई की मांग। किसानों ने जिलाधिकारी को निवेदन देने के बाद भी अब तक नहीं हुई कार्रवाई। आखिर क्यों है नगर परिषद मौन? भंडारा शहर में बीटीबी मार्केट को लेकर चर्चा बनी है कि बीटीबी में हो रही अवैध वसूली और किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विषय को लेकर अधिकारी और नेतागण को निवेदन दिया गया, फिर भी किसान से खुलेआम गेट पास प्रति नग के हिसाब से अलग अलग रूप से पैसा वसूली किया जा रहा है। आज 27 अक्टूबर 2023 को बीटीबी मार्केट से किसानों ने बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को कॉल किया और कहा, आपने हमारे हक के लिए हमें न्याय दिलाने के लिए न्यूज प्रकाशित किया था, लेकिन कुछ व्यापारी और किसानों ने आपके विरुद्ध शिकायत की और झूठे किसान लाकर गलत न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। अभी हम बीटीबी मार्केट में हैं, आप आइए और हमारी प्रतिक्रिया लीजिए, हम झूठे किसान हैं या सही, ये फैसला होगा। किसानों ने बीटीबी मार्केट पर खुला आरोप लगाया और अवैध वसूली अभी तक थमी नहीं है, ऐसी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के मुख्य संपादक को वीडियो और बाइट दी और कहा कि हम यहां पर किसान हैं, कई वर्षों से यहां आ रहे हैं, आज हमसे जैसे पैसा लिया गया ऐसे कई वर्षों से लिया जा रहा है। जिन लोगों ने हमको झूठा किसान बताया है वह व्यापारी और किसान हमें सबूत दे हम झूठे किसान हैं, अन्यथा हम शिकायत करेंगे। किसानों ने आज ऐसी ऐसी हकीकत खोल दी, उनके लफ्जों से की गई बातें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर जिन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ शिकायत करेगा और बीएस क्राइम इंडिया न्यूज कंपनी के लीगल एडवाइजर एडवोकेट प्रभात मिश्रा उन्हें न्यायालय में सबूत पेश करना होगा कि यह गलत खबर है, अन्यथा बीएस क्राइम इंडिया न्यूज मानहानि का दावा करेगी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज में स्वागत है। मैं शमशेर का खिलाफ अधिकारी लेके आता हूँ। इससे पहले भी हम सचिन मंडी से अनेक बार किसानों की खबरों के माध्यम से आज भी हम पे गलत आरोप लगाया गया कि हमने जो किसानों से बाइट ली थी उसको आपको निवेदन दिया गया था, उस पर आरोप लगाया गया कि बीएस क्राइम मीडिया न्यूज में गलत काश्तकारों की बाइट ली थी, झूठे काश्तकारों की बाइट ली। आज वही काश्तकार हमारे साथ में मौजूद है और हम मंडी से दिखा रहे हैं ताकि ये पता चले कि ये काश्तकार हमेशा मंडी में आते हैं और झूठी खबरों के
माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज इन काश्तकारों से पूछते हैं क्या है, क्या नाम है आपका? मैं हर रोज साल भर मंडी में आता हूँ। ये व्यापार के घर व्यापार के आजू बाजू के ये भूगत रास्ता बन रहा था, पूरा हमारे खिलाफ में व्यापारी और निवेदन दिया था कि हमने आपकी खबर लगाई थी कि आपको हमने हवाले करी और उन्होंने ये कहा कि आप वापस रास्ते जा रहे हैं, यहाँ पे रास्ता नहीं है, आप कितने साल से आ रहे हैं? यहाँ पर 12 साल से आ रहा हूँ, जब से मंडी में आ रहा हूँ मैं इधर ही आ रहा हूँ। हर रोज साल भर सब्जी लेकर तो फिर आप क्या बोलोगे आप वापस रास्ते जा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो ओरिजिनल कास्टकार और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओरिजिनल कास्टकार को डुप्लीकेट कास्टकार बताया गया। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये पूरे मंडी में कास्टकार, आपका नाम बताइए, आप कहाँ के कास्टकार हो? उधर डागरी कितनी एकड़ खेती आपके पास? 5 एकड़ खेती। आप मंडी में कितने साल से आ रहे हो? 4-5 साल से आ रहे हो। आप तो बोकस कास्टकार नहीं हो ना? नहीं, हमने तो आरोप लगाया, हमने आपकी नियुक्त लगाई तो कलेक्टर ने इसको तो निवेदन दिया गया, हमने खबर लगाया तो हमारे बुलाव क्या बोलोगे? आपके साथ क्या वसूली होती है? आता हूँ काटन लेके आता हूँ, काटने लेके आता हूँ, यहाँ से दिल्ली आ रहा हूँ। क्या किस तरह की वसूली होती है तो आप लोग बताइए। वो टिकट कितने पैसे लेते हैं? पैसे लेके नाम बताते कार्ड भी जा रहे हैं, हम बताते महिंद्रा के आगे जा रहे हैं, नाम लिखते हैं यहाँ से वापस आने का घटना नहीं गए, हम गंजे का या आलू का उससे भी पैसे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप बीपीपी में खुले आम लोग, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसान की तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब किसान अपने घर के लिए चीज लेके भी जाता है, जैसे मान लो किसी ने सब्जी भाजी का कुछ लाया है और वो अगर प्याज आलू ये अगर ये लेके जा रहा है तो उस तरह से भी लूटा। ये किसान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, इसी तरह से और किसान को क्या नाम है आपको भी पैसे यहाँ लिया जाता है? कितने पैसे लिए जाते हैं? काय के लिए जाते हैं? आपसे आपको पावती दी जाती है? काय की पावती दी जाती है? गेट पास उसने कोई नाम लिखा है? कोई नगर परिषद कोई बेटी की पावती पे नाम लिखा है? पावती पे नाम लिखा है क्या? वहाँ पर बीटीपी का नाम लिखा है, बीटीपी पावती। आपने अभी बीच में एसपी के पास गए थे तो आपने निवेदन दिया गया था, तो ये बात क्या हुआ? आप नहीं थे।
कहाँ से? कितने एकड़ जगह आपके पास? 2 एकड़। आप बताओगे कि आप कितने साथी में आए हो? कितना पैसा आपने लूटा जा रहा है? पर गाड़ी 50 रुपये खाली गाड़ी 50 रुपये लेकर काय के लेकर आपने पूछे? क्यों ही पूछे? आपका अधिकार है, यही तो गलती है आपकी। आपकी गलती यही है कि आपसे जब कोई पैसा ले रहा है तो काय के ले रहा है उससे पूछना आपका अधिकार है। आप किसी भी अपना हक है। काय के पार्किंग, क्या पार्किंग है यहाँ पर? क्या है पार्किंग की सुविधा? कहाँ गाड़ी रखी है? उधर रखी है। तो आपको बता दें कि किसी भी किस्म का पैसा देने के आप उनसे कुछ किस तरह का पैसा दे रहे हैं, क्या का पैसा? हालांकि ये जगह जो है ये नगर परिषद की जगह है, इनकी जगह सिर्फ बांधकाम करने के लिए यहाँ पर परमिशन दे दी है, ताकि किसानों से पैसा ले। आप जो भी पैसा देते हो पूछो, आप अपने हक के लिए पुलिस कलेक्टर और नगर परिषद की शिकायत करके जा सकते हो। तो आप शिकायत करोगे, आपसे अभी तो वसूली हो रही है, तो आप जाके शिकायत करो कि आपसे अभी तो वसूली हो रही है। प्रशासन आज नहीं तो कल जागेगा, और यही खबरों के माध्यम से जागेगा। जब आप जब लोग जब तक आप लोग सामने आके बढ़ेंगे नहीं, अपने हक के लिए आवाज उठेंगे, तब तक ये अवैध किसानों की जो लूट मार हो रही है ये हमेंगे नहीं। इसलिए आप किसानों को भी यूएस क्राइम यूनियन से मुलाकात करें, आप अपनी बाइट दें कि आपके साथ में अवैध वसूली हो रही है। यूएस क्राइम यूनियन ऐसे ही कब्जों के माध्यम से प्रशासन को जगाते रहे। तुम्ही एक कास्तकार आहे का नाही सांगा? तो आमच्याकडे कंप्लेंट होती, कास्तकार नाही म्हणून कोणत्या गावाचे कास्तकार? किती जागा तुम्ही काय बोलतो त्याच्यामध्ये? किती वर्षापासून येऊन राहिले? 7 वर्षापासून तुमच्याकडे येऊन राहिले? हो, मंदिर आहे, 50 रुपये 100 रुपये प्रति बोरा हिसाबाने प्रति बोरा किती रुपये? 50 प्रति बोरा किती बोरा आणतात तुम्ही? असं आम्ही तुमची कंप्लेंट वम्प्लेंट नाही केली, काम तुमची मिळते कास्तकार आहे। नाही पैसे द्यायची देत नाही ना, मंडीकडे काय आहे नाही त्याच्यामध्ये? आम्ही उचललं तर आमची कंप्लेंट करता येतो, आम्ही घरी गोष्ट उचलायची नाही, कारण की तुम्ही कास्तकार आहो नाही, बरोबर आहे का नाही? तर इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कास्तकारों को दबाया जाता है, ताकि कास्तकार जो है इसे अवैध वसूली किया जाए। 8 साल में करीबन बीटीपी ने 87 करोड़ रुपए यहाँ से जमा किया है, यही ऐसे कास्तकारों से अवैध वसूली, यही खुलासा बीएस क्राइम इंडिया न्यूज कर रहा है। इसलिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पे झूठी खबरें, झूठी रिपोर्ट दाखिल कर उनका मुंह दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐसी लोकल विंडो से डरने वाला नहीं है और कभी पीछे हटने वाला नहीं है। किसानों के साथ हमेशा हक से साथ में कदम से कदम बढ़ा के लड़ते रहेंगे, ये बीएस क्राइम इंडिया का वादा है, और इनको न्याय दिलाने का पूरा लेगा ये बीएस क्राइम इंडिया है। शमशेर खान ऐसी ही खबरें आपके सामने लाते रहेगा, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े। नमस्कार।